अपान फॉरेन हाइट में अपर माइनस फॉरेन हाइट में लोअर, ये दोनों बराबर कर सकते हैं क्योंकि हमने तो कॉन्स्टेंट कहा है। अगर ऐसा है तो आ जाएगा टी बाई हंड्रेड इज इक्वल टू ये टी डैश फॉरेन वाला है ना, फॉरेन हाइट वाला, और ये सेल्सियस वाला है, माइनस 32 अपान हो जाएगा 180। जरा ध्यान से देखिए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 25 हो जा और 29 जा, क्या आ गया c by 5 f minus 32 by 9। पूरी स्केल से बता रहा कैसे जनरेट होती है। हर बार हम क्या किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए कोई भी हम एक डिवाइस डिजाइन करेंगे जो टेम्परेचर मेजर करने जाएगी तो उसके लिए फिक्स्ड फार्मूला है। वो फार्मूला है जब उसको किसी अननोन टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट रखा गया तो रीडिंग क्या जनरेट, माइनस लोअर अपान अपर माइनस लोअर। ये हर बार हम एक स्केल और किसी भी दूसरे स्केल का कंपेयर करा सकते हैं, क्लियर है। तो आपके पास एक यूनिवर्सल फार्मूला आ रहा है फॉर एनी टेम्परेचर स्केल, दैट इज टी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपान अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां से आपको पता चल रहा है कि ये जो फार्मूला हमने डायरेक्ट लिख दिया था f माइनस 32 बाई 9 इज इक्वल टू c बाई 5 इज इक्वल टू r बाई 4 इज इक्वल टू k माइनस 273 बाई 5 इज इक्वल टू r रैंकाइन माइनस 460 अपॉन 10.6। क्लियर है क्या है ये, ये है एनी टेम्परेचर वैल्यू माइनस लोअर फिक्स वैल्यू अपॉन अपर फिक्स वैल्यू माइनस लोअर फिक्स वैल्यू। ये फारेनहाइट का, ये सेल्सियस का, ये रूमर का, ये केल्विन का, वो ये चीज ठीक है। तो हमने वो फॉर्मूला कैसे आया होगा ये आपको दिखाया। इसका इस्तेमाल दो तरीके से आपको करना है। इससे पहले कि इसके इस्तेमाल बताएं हम वापस लौटते हैं क्योंकि हमने मरकरी थर्मामीटर का रिजल्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो रिजल्ट देखेंगे तो एक कंक्लूजन मिल जाएगा और आप देखेंगे कि किसी भी टाइप का थर्मामीटर लीजिए, चाहे प्रेशर, चाहे रेजिस्टेंस, चाहे ईएमएफ, आप फार्मूला डिराइव नहीं करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। जैसे अगर हम मरकरी थर्मामीटर पर वापस आए तो मरकरी थर्मामीटर के लिए आप देखिए मरकरी थर्मामीटर के लिए आपने क्या निकाल दिया है, आपने निकाला है फॉर मरकरी थर्मामीटर एल टी माइनस एल जीरो अपान एल हंड्रेड माइनस एल जीरो इज इक्वल टू, इधर क्या लिखेंगे टी बाई हंड्रेड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ना टी बाई हंड्रेड। इसका मतलब है एनी टेम्परेचर रीडिंग कैन बी रिटेन एज एल टी माइनस एल जीरो अपान एल हंड्रेड माइनस एल जीरो इंटू हंड्रेड। क्लियर है। मरकरी थर्मामीटर में अगर आपको बताया जाता कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो मरकरी कॉलम की लेंथ थी वो 15 सेंटीमीटर थी, 100 डिग्री पर 75 सेंटीमीटर थी, और जब अननोन टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में रखे तो 25 सेंटीमीटर लेंथ पाई गई, तो क्या बता रही थी आपकी वो टेम्परेचर क्या रहा? आपको बता रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस के कॉन्टेक्ट में रखने पर लेंथ कितनी है, आपको बता रहे हैं 100 डिग्री के कॉन्टेक्ट में रखने पर लेंथ कितनी है, आपको बता रहे हैं कि जो टेम्परेचर हमको नहीं पता उसके कॉन्टेक्ट में रखने पर मरकरी कॉलम की लेंथ कितनी है, जब बता रही होगा कि वो टेम्परेचर कितना रहा होगा। तो एल की जगह पी ना रख लें तो प्रेशर थर्मामीटर हो जाएगा पी टी माइनस पी जीरो अपान पी हंड्रेड माइनस पी जीरो इंटू हंड्रेड। रेजिस्टेंस रख दें आर टी माइनस आर जीरो अपान आर हंड्रेड माइनस आर जीरो इंटू हंड्रेड। ई एम एफ रख दें ई टी माइनस ई जीरो अपान ई हंड्रेड माइनस ई जीरो इंटू हंड्रेड। कहाँ डिराइव करना पड़ेगा, मतलब अगर किसी गैस का प्रेशर 100 डिग्री के कॉन्टैक्ट में लाने पर पी हंड्रेड के नाम से लिख लिए, 0 डिग्री सेल्सियस के कॉन्टैक्ट में लाने पर पी जीरो से लिख लिए, और अननोन टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में लाने पर उसका प्रेशर हमने पी जी लिख लिया, तो उस इस प्रेशर वेरिएशन से जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा पी टी माइनस पी जीरो अपान पी टी माइनस पी जीरो अपान पी हंड्रेड माइनस पी जीरो इंटू हंड्रेड। क्लियर है। ऐसे दे देता कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर जीरो पाया गया तो पी जीरो जीरो पी जीरो जीरो।
जबकि P100 पर प्रेशर 10 बार का पाया गया और जब एनी टेम्परेचर पर मेजर किए तो 2 बार का प्रेशर आया, तो 2 बार बाई 10 बार, दैट इज 2 बाई 10 1 बाई 5 डिग्री सेल्सियस, 1 बाई 5 इंटू 100 20 डिग्री सेल्सियस, कितना आसान। रेजिस्टेंस थर यानी प्रेशर थर्मामीटर हो गया, अगर रेजिस्टेंस थर्मामीटर है तो 100 डिग्री के कॉन्टैक्ट में रीडिंग रेजिस्टेंस की R100, 0 डिग्री सेल्सियस के कॉन्टैक्ट में R0, और जब आपने उसको एनी टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में रखा तो रेजिस्टेंस इज RT। तो इस केस में आपको प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की वैल्यू पता चलेगी, दैट इज टेम्परेचर इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100। आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो है, रेजिस्टेंस थर्मामीटर, अच्छा देखिएगा ये सब सेल्सियस वाला है, फारेनहाइट वाला नहीं। अगर फारेनहाइट वाला है तो ये तब ये लेके चलेंगे ना, दस ये लेके चलेंगे, ठीक है, और अगर केल्विन वाला है तो ये लेके चलेंगे। तो वो जो जितना भी लिख रहा है, अरे आपको अगर फारेनहाइट में पूछ रहा है तो आप पहले उसको सेल्सियस में निकाल लीजिए, फारेनहाइट में कन्वर्ट कर लीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन है। अदरवाइज आप इधर वाला फिक्स है, ये उधर वाला अगर सेल्सियस में है तो T-0/100-0, अगर फारेनहाइट में है तो T-32/T12-32, केल्विन में है तो TK-27T3/3, इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं कहता थर्मो EMF तो जब 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था तो EMF was E100, जब 0 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था तो E0, जब T टेम्परेचर का डिफरेंस किया गया तो ET, तो टेम्परेचर की रीडिंग आपके पास हो जाएगी ET-E0/E100-E0×100। दिस मीन्स दैट आपको पता चल जाएगा कि कितना, अगर आपको 0 डिग्री वाली रीडिंग नहीं दे रहा तो समझ जाएगा 0 0 है, जैसे नहीं बता रहा कि 0 डिग्री पर प्रेशर कितना है, समझ जाएगा 0 है, नहीं बता रहा कि 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना है, समझ जाएगा 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस, ठीक है, नहीं बता रहा कि EMF की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी है, समझ जाएगा 0 डिग्री, अगर दे रहे हैं तो रखिएगा, नहीं दे रहे हैं तो जो 0 वाले रीडिंग है उसको 0 मान, वो आप आसान से, यानी आपको पता तो चल गया कि वैरायटी काइंड्स ऑफ थर्मामीटर का वो कैसे डिजाइन किया गया, और उनसे अगर टेम्परेचर मेजरमेंट की बात आई तो उनका ये फार्मूला, और एक स्केल पर अगर टेम्परेचर आ गया तो आप फटाफट दूसरे स्केल पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको चौथा कैलकुलेशन दिया वैरायटी काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर, जरा पांचवे कैलकुलेशन पर, पांचवा कैलकुलेशन है इस फार्मूले का यूटिलाइजेशन, कि इस फार्मूले का और कहाँ इस्तेमाल होता है, इस फार्मूले का इस्तेमाल होता है रॉन्ग थर्मोमीटर के रीडिंग को करेक्ट करने, जैसे मैं कहता कि एक थर्मामीटर गलत रीडिंग दे रहा है तो सही रीडिंग बताइए क्या हो, तो बड़ा आसान है, मान लेते हैं मैं, बहुत सिंपल है, मैं ऐसे कहता कि एक हमारे पास थर्मामीटर है गिविंग द रॉन्ग रीडिंग, कैसे कह रहे हैं कि वो बता रहा है वो अपर फिक्स्ड पॉइंट बता रहा है 120 डिग्री, ठीक है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट को वो बता रहा है 30 डिग्री, ठीक है, और एनी टेम्परेचर को वो, एनी टेम्परेचर को वो बता रहा है 55 डिग्री, तो बताइए सेल्सियस में वो सही टेम्परेचर क्या होगा, तो भैया सेल्सियस में अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और एनी टेम्परेचर माना T डिग्री सेल्सियस है, क्यों, एनी टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड अपॉन अपर फिक्स्ड माइनस लोअर फिक्स्ड, यही ना फार्मूला है, एक बार आप जो रॉन्ग रीडिंग ले रहा है उसके लिए लगा दीजिए, एनी टेम्परेचर रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, वो किस तीनों गड़बड़ पड़ रहा है ना, वो अपर फिक्स भी गड़बड़ पड़ रहा है, लोअर फिक्स भी गड़बड़ पड़ रहा है, ठीक है, और वो एनी टेम्परेचर भी गड़बड़ पड़ रहा है, मान लेते हमसे कह रहा है कि सेल्सियस में बता देते कि ये सही टेम्परेचर क्या होगा, तो हम सेल्सियस का अपर फिक्स जानते हैं, हम सेल्सियस का लोअर फिक्स जानते हैं, और माना इस टेम्परेचर की सही रीडिंग T डिग्री सेल्सियस है, तो एक बार इसके लिए एनी टेम्परेचर रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, एक बार उसके लिए मान लेते कहता नहीं हमको फारेनहाइट स्केल में बताइए, तो अपर फिक्स्ड ऑन फारेनहाइट स्केल कितना होता है और लोअर फिक्स्ड ऑन फारेनहाइट स्केल कितना होता है,
तो मान लीजिए कि फारेनहाइट में ये टेम्परेचर टी फारेनहाइट है, क्लियर है आपके पास। अगर इसके लिए लिखते, इसके लिए लिखते, इसके लिए लिखते तो क्या जनरेट होता, अब फिर आपस में कंपैरिजन हो जाता है इनका। अगर हम लिखते तो इसके लिए लिखते एनी टेम्परेचर रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, क्लियर है इसका, इसका टू कांस्टेंट। इसके लिए लिखते तो एनी टेम्परेचर रीडिंग सेल्सियस, ये को जानना है 3 डिग्री सेल्सियस हमने सी कर लिया, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, क्लियर है। इनको इनको कंपेयर करके क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो गलत गलत टेम्परेचर 55 डिग्री बताया है वो सही सही डिग्री सेल्सियस पे कितना रहा होगा, ठीक है। अगर मान लेते आपको फारेनहाइट में चाहिए था, ये वाला पार्ट हटा लीजिए, यहाँ आ जाइए एनी टेम्परेचर रीडिंग से दैट इज द एफ इन फारेनहाइट स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट अपॉन अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, क्लियर है। इनको और इनको कंपेयर करा है तो सीधे सीधे फारेनहाइट में आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट रीडिंग इन फारेनहाइट कितना है। अगर इन दोनों को कंपेयर करा है तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि सेल्सियस में कितना है। मान लेते हैं इन दोनों को इक्वेट करा चुके थे, सेल्सियस में आ गया आंसर और आपको फारेनहाइट में चाहिए था, तो फिर वही एफ माइनस 32/9 सी बाई 5 एक स्केल से दूसरे स्केल का कन्वर्जन आ गया। पहला कमांड क्लियर हुआ कि हाउ द थर्मामीटर इज टू बी डिजाइन एंड हाउ द रॉन्ग थर्मामीटर कैन बी एडजस्टेड टू प्रोवाइड द करेक्ट वैल्यू, और डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मामीटर के लिए उसमें जो पैरामीटर इन्वॉल्व है उनका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है। इसमें दो चीज़ बाहर से पूछता है वो भी देख लेते हैं, वैसे तो यूपीसी डीएमटी का पार्ट रहा है लेकिन फिर भी देख लीजिए बेबी की साइड इतना हम लोग पढ़े और वही पूछ रहे हैं। जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं आर टी इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा थीटा, जबकि अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर को लिखते हैं पी टी इज इक्वल टू पी जीरो वन प्लस बीटा थीटा, वेयर बीटा जो है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर है। मतलब हमसे ये पूछ लेता है कि जो भी वेरिएबल है रेजिस्टेंस है या प्रेशर है या ईएमएफ है इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब हाउ फास्ट दे आर वेरी, जैसे गैस का प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर। किसी मेटलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है हम एक उठाए पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस उठा है, इसको अल्फा कहते हैं। अल्फा बताता है हाउ फास्ट रेजिस्टेंस इज वेरी, बाय वेरिंग द टेम्परेचर। ये बता रहा है और कुछ ये बताएगा कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा। तो आपके पास है आर टी इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। आर टी रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर, और ये जो टी लिखे हैं इज द टेम्परेचर डिफरेंस,
टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में जो नया टेम्परेचर है वो कितना बड़ा है, क्या पहले 10 डिग्री था और अभी 30 डिग्री है, तो 10 से 30 मतलब 20 डिग्री का डिफरेंस है, तो नया रेजिस्टेंस उस 20 डिग्री के डिफरेंस के लिए कितनी वैल्यू स्टोर करें। ठीक है, आर जीरो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब आपको जनरली ये ऐसे कहते हैं, T1 टेम्परेचर, R1 रेजिस्टेंस एंड T2 टेम्परेचर, R2 रेजिस्टेंस, ये कहते हैं। और इसमें आपको कहते हैं अल्फा, बता दीजिए, या बता दीजिए कि अगर T1 टेम्परेचर पर R1 रीडिंग थी, T2 टेम्परेचर पर R2 रीडिंग थी, तो बताइए कि उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना रहा है, ये पूछ लेते हैं। अब आपके पास स्टेप 1 है, अगर आपको इनिशियल टेम्परेचर बताया है तो ये जो T1 है उसमें से वो इनिशियल माइनस हो, ये बात ध्यान रखें। अगर आपको इनिशियल टेम्परेचर नहीं बताया, बस कह रहा है T1 पर R1 है, T2 पर R2, तो समझ जाइए T1 इज द चेंज इन टेम्परेचर और T2 इज द चेंज इन टेम्परेचर। हमारे तो कह रहा है कि 10 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 20 डिग्री पर रेजिस्टेंस इतना था और 30 डिग्री पर रेजिस्टेंस इतना है, क्लियर है? 10 का 20 और 10 का 30, मतलब पहले 10 का 20 यानी 10 डिग्री का डिफरेंस और अभी 10 का 30 यानी 20 डिग्री का डिफरेंस, ये मतलब होता है। 3 टेम्परेचर देगा तब समझ जाइएगा टेम्परेचर। हमारे तो ऐसे कह रहा है कि 10 डिग्री पर रेजिस्टेंस इतना था, 20 डिग्री पर इतना, अब बता ही नहीं रहा कि पहले कितना था, तो समझ जाएगा जी। तो ये सीधी सी बात है, यहाँ हम R1 अगर लिखें तो R1 हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फा T1, यही ना, T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इज R1, जबकि T1 क्या है, द अभी का टेम्परेचर माइनस द इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, ये T1 है, यानी चेंज इन टेम्परेचर T1 है पहली बार। और दोबारा लिखते तो क्या हो जाता, R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T1, क्लियर है? जबकि आप यहां साइड में मेंशन कर लीजिए T1 इज द T1 माइनस थीटा T1, क्लियर है? जो T1 लिखा है वो क्या है, जिस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दिया है उस टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करना चाहिए, थीटा जीरो, अगर थीटा जीरो दिख रहा है तो रखिएगा, नहीं तो वो जीरो नहीं, ठीक है, ये मतलब इसको सराउंडिंग टेम्परेचर कह सकते, नहीं देगा जनरली लिंक में इतना टफ नहीं करेगा, टफ का मतलब है इतने ज़्यादा पैरामीटर नहीं करेगा कि टाइम बढ़ जाए, सराउंडिंग टेम्परेचर इनिशियल। तो सिंपली कह देते हैं T1 पर R1, T2 पर R2 अल्फा बताए, ठीक है, और जो T2 है दैट इज द T2 और इसमें से थीटा जीरो, सबसे आसान है टेक रेशियो, लफड़ाई खत्म हो जाएगा, सीधे आंसर टेक रेशियो, अगर रेशियो ले लेते तो आपके पास आ जाता R1 बाई R2 इज इक्वल टू R0 कैंसिल 1 प्लस अल्फा T1 अपान 1 प्लस अल्फा T2, इतना क्लियर है? R0 पूरा थी, क्या पता है कि अगर इसको ऊपर एडजस्ट करें तो ये अल्फा डेल्टी हो जाएगा, ये बात पता होनी चाहिए आपको, बाई बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस अल्फा थीटा 1 अपान 1 प्लस अल्फा थीटा 2 कैन बी रिटेन एज 1 प्लस अल्फा थीटा 1 माइनस थीटा 2। अरे सीधी सीधी बात है, बाइनोमियल में ऊपर बन के जाएगा तो 2 की पावर -1 बनेगा, -1 से वो 1 माइनस अल्फा थीटा 2 हो जाएगा, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई होना शुरू होगा तो वो आएगा 1 माइनस अल्फा डेल्टा, ठीक, मीन्स ये
आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपके नीट के हिसाब से लेके चले तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए जाता है आर वन। बहुत सारे मेथड है जो आसानी से देते हैं आंसर अगर आपके सिलेबस में लेके चले तो आप ऐसे चलते हैं। जो फार्मूला मोस्टली बुक में मिलेगा इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया आर वन प्लस आर वन अल्फा जी टू, इसको इधर मल्टीप्लाई किया आर टू प्लस आर टू अल्फा टी वन, इसको उधर कर लीजिए और इसको इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा आर वन माइनस आर टू, ये हो जाएगा आर टू अल्फा टी वन माइनस आर वन अल्फा टी टू, अल्फा कॉमन करके बाकी सबको इधर फेंक दीजिए। क्या फॉर्मूला नहीं आ रहा है? आर वन माइनस आर टू अपान आर टू टी वन माइनस आर वन टी टू, क्या किए इसको इधर कर लेंगे तो आर वन माइनस आर टू, इसको इधर कर लेंगे तो आर टू टी वन माइनस आर वन टी टू। तो अल्फा का फॉर्मूला ऐसे रखते हैं आर वन माइनस आर टू अपन आर टू टी वन माइनस आर वन ऐसे, ठीक है। एक मेथड है ये मोस्टली बुक में दिया, हमने क्या कहा इससे जल्दी आंसर पा सकते, ये इसको ऊपर सेटल कर ले, ये हो जाता आर वन अपान आर टू और ये जाता वन प्लस अल्फा कॉमन, ये हो जाता टी वन माइनस नाउ टी वन और टी टू और आर वन और आर टू पता सीधे अल्फा नहीं आ जाता, इससे कम टाइम लगता, ठीक इससे कम टाइम लगता, कोई मतलब नहीं है कि ठीक है। तो अपना अपना मेथड है कि आप फॉर्मूला रट के लगाते हैं या डायरेक्ट, ठीक है। ये हमने थर्मोमेट्री खत्म किया, ठीक है। थर्मोमेट्री के बाद आइए थर्मल एक्सपेंसर, इसमें तीन पार्ट है थर्मोमेट्री थर्मल एक्सपेंसर एंड कैलोरी मेट्री, तो इतना पार्ट थर्मोमेट्री। अब आइए आप इसके दूसरे पार्ट पर दैट इज द थर्मल एक्सपेंसर। क्या आपने ये नहीं पढ़ा है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके लेंथ में या उसके एरिया में या उसके वॉल्यूम में वेरिएशन स्टार्ट हो जाता है। अगर एक रॉड है तो उसकी लेंथ वैरी करता है, अगर एरिया है तो उसका एरिया वैरी करता है, अगर उसके पास वॉल्यूम है तो उसका वॉल्यूम वैरी करता है। आप तीन कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सटेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सटेंशन। तो एक्सपेंशन का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने पर उसके डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ और हाइट में क्या चेंज आएगा। तो अगर सिर्फ भाई बॉडी तो तीन तरह की होती है, कंटेनिंग द लेंथ है, कंटेनिंग द एरिया है, कंटेनिंग द वॉल्यूम। तो सिर्फ लेंथ होता तो अल्फा डिफाइन करते हैं एज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आता है, ठीक है। इसी तरह एरिया में चेंज हुआ तो सुपर फिशियल, अगर वॉल्यूम में चेंज हुआ तो वॉल्यूमेट्रिक। तो इनको लिखते कैसे हैं और इन पर प्रॉब्लम कैसे आती है, इसी पर आईआईटी में पिछले साल और उसके पिछले साल दो प्रॉब्लम आई है, इस वजह से इस साल पढ़ाना पड़ रहा है। पिछले साल भी पढ़ाया गया था वैसे, सख्त था नीट में आएगा लेकिन वो उठा के आईआईटी में दे दिया, अच्छी बात है पढ़ाया दोनों के लिए गया था। यानी हमारा थर्मल एक्सपेंसर, थर्मल एक्सपेंसर में अगर आप लेंथ की बात करें, लेंथ पहले तो हम लिखते हैं लेंथ एट एनी टेम्परेचर इक्वल टू लेंथ एट जीरो डिग्री और वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, जहां हम अल्फा को नाम देते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लेंथ, या नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सटेंशन, इसी को नाम देते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं अगर ब्रैकेट ओपन कर देते तो एल टी इज इक्वल टू एल जीरो
प्लस एल जीरो अल्फा डेल्टा थीटा, एल जीरो इधर कर देते हैं, एल टी माइनस एल जीरो इक्वल टू एल जीरो अल्फा डेल्टा थीटा। क्या ये चेंज इन लेंथ नहीं हो गया? अब क्या इसको इधर फेंक दें तो ये ओरिजिनल लेंथ नहीं हो गया? क्या डेल्टा थीटा इधर फेंक दें तो चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो गया? इक्वल टू अल्फा, क्या याद नहीं है अल्फा इक्वल टू डेल एल बाय डेल डेल्टा थीटा, हम लोग कैसे करते हैं? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू डिनोमिनेटर में चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है? मींस आपके पास आ रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, या ठीक है? अगर आप बीटा डिफाइन करें इन अ सेम वे, तो अल्फा की जगह बीटा, चेंज इन लेंथ की जगह चेंज इन एरिया अपान एरिया इनटू चेंज इन टेम्परेचर आ गया। और अगर आप वॉल्यूमेट्रिक डिफाइन करें तो चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू डेल्टा थीटा, क्लियर है? यानी कि हमने एक डिराइव करके दिखाया इन आ सेम है, आपको दूसरा मिल जाएगा। इसको आप कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसको सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन इसको कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ध्यान से देखिए, अगर मैं कहता कंटेनिंग द लेंथ रूम, मैं कहता कंटेनिंग द लेंथ एंड ब्रेथ बोथ, ठीक है, दैट इज एल एंड एल, और मैं आपसे कहता कि दिस इज द एल, और मैं कहता कंटेनिंग द वॉल्यूम, तो कंटेनिंग द वॉल्यूम तो क्या कहते एल बी एच, इसमें भी अलग अलग रख लीजिए नाम, क्योंकि सेम रखने का मतलब एक केस से है, ये आप एल कर लीजिए ये आप बी कर लीजिए, इतना क्लियर। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट किया तो फट से इसकी लेंथ वेरिएशन आएगी, से दिस इज अल्फा वन, ठीक है, या अल्फा, इसमें एल में वेरिएशन आएगा से अल्फा वन और इसमें से अल्फा टू, क्या गारंटी ले दोनों बराबर आएगा? हो सकता है ये 25 सेंटीमीटर रहा हो, ये 5 सेंटीमीटर रहा हो, तो भाई ज्यादा लेंथ है तो चेंज इन लेंथ भी ज्यादा से होगा, ठीक है? तो अलग अलग, यानी कि सुपरफिशियल में जो दो डायमेंशन है लेंथ और ब्रेथ, मान लिया अलग अलग लेंथ है, नहीं हो रही, सिर्फ हम इसको देखें तो अल्फा वन से चेंज हुआ, सिर्फ इसको देखें तो अल्फा टू से चेंज हुआ, इसी तरह इसको देखें तो ये अल्फा वन से चेंज हुआ है, ये ब्रेथ अल्फा टू से चेंज हुआ है, एंड ये अल्फा थ्री से चेंज हुआ है, क्लियर है? तो यहां हम कहते हैं चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू, या आप ऐसे कहते डेल एल बाई एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यहां से देखिए कितना हो जाएगा, अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, देखते रहिएगा। और यहां चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, जानते क्या आएगा, इज इक्वल टू आएगा चेंज इन दिस प्लस चेंज इन दिस, प्लस कहां से आएगा, सोच के देखिए, a इज इक्वल टू l इनटू b हुआ, तो चेंज इन एरिया इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ प्लस चेंज इन दिस, क्लियर हुआ कहां से, प्लस आ गया, यानी कि डेल ए बाई ए जो होगा ये हो जाएगा अल्फा वन डेल्टा थीटा प्लस अल्फा टू डेल्टा थीटा, क्लियर है? और डेल्टा थीटा अगर इधर दे दें तो क्या डेल ए बाई ए डेल्टा थीटा, डेल ए बाई ए डेल्टा थीटा, थीटा नहीं हो जाएगा, यानी बीटा इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस अल्फा, यानी अल्फा वन इज द अल्फा और बीटा इज द अल्फा वन प्लस अल्फा टू, गामा अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा, तो यही तो याद रटाया गया था आपको, वन इस टू इस टू थ्री, जब सेम रहेगा इक्वल एक्सपेंशन होगा ऑल अराउंड, इसको बोलते हैं आइसोट्रॉप, और ये हम जो बता रहे हैं एनिसोट्रॉप, दैट इज नॉट
एक्सपेंसिंग सिमेट्रिकली ऑल अराउंड। तो सीधी सी बात है, आपके पास यहाँ या दिस, अगर आप इसी तरीके से यहाँ लिखें तो चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम आएगा आपके पास अल्फा वन डेल्टा थीटा प्लस अल्फा टू डेल्टा थीटा प्लस अल्फा थ्री डेल्टा थीटा। ठीक है, यहाँ से आपको मिल रहा है डेल एल बाई एल डेल्टा थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यहाँ मिल रहा है आपको बीटा इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू, और यहाँ मिल रहा है आपको गामा इक्वल टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री। अगर सिमेट्री ले लेते तो ये वन अल्फा, ये ट्वाइस अल्फा, ये थ्राइस अल्फा, क्या रटे नहीं थे वन इज टू टू इज टू थ्री, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा टू इज टू थ्री, तो ये तब क्या रटे थे जब आइसोट्रॉपिक बॉडी होती। ठीक, अगर कहता कि एक वॉल्यूम है एक पर अल्फा से बढ़ता है और एक पर अल्फा वन से और दूसरे पर भी अल्फा वन से, बताइए वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना है तीनों ऐड कर, लीनियर एक्सपेंशन ऐड करेंगे तीनों तो वॉल्यूम एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन ऐड करेंगे दो बार तो आप सुपरफिशियल या एरिया के वेरिएशन में चले जाएंगे। तो ये तो ठीक है, आपस में इंटर रिलेशन है, इसमें आपको कई चीज़ें देखनी है छोटे छोटे पार्ट में। जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना है एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जिसमें आप ये कहते हैं कि वाटर को जब टेम्परेचर मिलता है तो वाटर तो कंटेनर में है ना। अच्छा, एनामेलस में चीज और देखते हैं, वाटर का एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के अराउंड वेरिएशन थोड़ा एबनॉर्मल होता है, वो एकदम एक समान या यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं हो सकता। जैसे क्या ऐसा नहीं कि 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वॉल्यूम कम होगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो दोनों केस में फ्लक्चुएशन आएगा। तो अगर आपको एबनॉर्मल बिहेवियर एनामेलस बिहेवियर दिखाएं तो एनामेलस बिहेवियर आप वाटर देखिए और यहाँ से आपको एक्सपेंशन देखिए वाटर एक्सपेंशन। एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर अगर हम दिखाएं आपको तो इसमें यही कहा जाता है कि 4 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें, हमारे पास इधर डेंसिटी है और इधर टेम्परेचर है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी हाईएस्ट होगी। ठीक है, और अगर वॉल्यूम की बात करें इसी पर, जबकि मास कंजर्व है, तो इसका जस्ट रिवर्स आएगा। ठीक है, इधर आपके पास वॉल्यूम है और इधर आपके पास टेम्परेचर है। ठीक है, ये तो ग्राफ की सिर्फ बात हुई, क्योंकि ग्राफ की चेंज ले करते हैं। अब आप आइए लास्ट डे पे, से हमें एक दिन और चाहिए होगा इसके लेक्चर में, एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एक्सपेंशन ऑफ वाटर में आप ये देखिए कि अगर हम एक कंटेनर में वाटर को फिल कर लेते और अब इसको हीट करते तो सबसे पहले हमें इसका लेवल नीचे गिरता हुआ दिखाई देना चाहिए और फिर वापस ऊपर भागते हुए। क्यों? क्योंकि पहले तो कंटेनर का वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा ना, बाद में ना लिक्विड को कंडक्ट होगी, हीट को वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, तो रियल में दो एक्सपेंशन शो करना पड़ रहा है। रियल में हम क्या देखेंगे, पहले कहाँ था अभी कहाँ है, तो ये रियल का ही तो वर्चुअल हो गया। क्योंकि तो हुआ क्या होगा, पहले कहाँ था तो पहले तो गिर के नीचे गया होगा, ये कंटेनर का एक्सपेंशन, और उसके बाद अब पूरा जो एक्सपेंशन मिल रहा है वो ना लिक्विड का है। इसका मतलब है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर है
अगर थोड़ा सा और हीट करें तो आपको दूसरे केस में ये ऐसे नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये नीचे आ गया यहाँ, ठीक, हमने बहुत ज़्यादा नीचे ले लिया, पहले ये यहाँ था दिस, और हम कह रहे हैं कि जब हमने टेस्ट जैसा आगे बढ़ा दिए, हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो पहले ये यहाँ आ गया और फिर हमने और टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाया, तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि फाइनल लिक्विड का लेवल यहां दिख रहा है, तो रियल में कितना एक्सपेंशन हुआ है, क्या ये रियल नहीं है, ये इतना ना गामा रियल है, ये रियल एक्सपेंशन है, गामा रियल। और जबकि आप क्या कहेंगे, आप तो यही कहेंगे ना पहले यहां था और अभी यहां है, तो ये तो गामा वर्चुअल हो गया ना, क्यों आप तो यही कह रहे हैं कि पहले यहां था और अभी अभी यहां चला आया, तो आप अगर सिर्फ इतना ही देखें तो गामा वर्चुअल है, और जबकि वो रियल में उस नीचे से चढ़ के ऊपर तक पहुंचा है, तो क्या बीच में जो गैप हुआ है गामा कंटेनर नहीं है, कंटेनर का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंस। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये तीन चीज दिख रहा है ना, क्या स्ट्रिपर नहीं दिख रहा है कि ये जो लेवल नीचे भागा है ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर है, और अब जो ये पूरा भागा है ये गामा रियल फॉर वाटर है, और जबकि आपने जो देख रखा है दिस वो गामा अपरेंट हो चुका है, क्यों, क्या रिलेशन आएगा, ठीक है, गामा रियल इसका टू गामा कंटेनर प्लस गामा अपरेंट, आपने क्या देखा, गामा अपरेंट, कंटेनर तो नहीं देखा आपने, प्लस कंटेनर इसका टू रियल, यानी यहां आता है गामा रियल, रियल एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू अपरेंट प्लस गामा कंटेनर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ये कहते हैं गामा कंटेनर जो है 1/9 ऑफ गामा वाटर, बताइए वाटर का टोटल एक्सपेंस, सिंपल एक एक प्रॉब्लम आपको मिलेगी, ठीक है, इसमें कई सारा है, 3 या 4 प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम है, यूपीसीपीएमटी में पूछी गई है, वो काफी हार्ड माने जाते हैं, ये तो लगाएंगे तो आप पता चलेगा।